हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टोयोटा एमआरएस में इंजन स्वैप के बारे में। टोयोटा एमआरएस एक स्पोर्ट्स कार है जो कि मिड इंजन है और रेयर व्हील ड्राइव है। नाउ फ्रॉम द फैक्ट्री टोयोटा एमआरएस कम्स अप विद अ 1.8 लीटर 1ZZ FE इंजन जिसकी आउटपुट है 138 हॉर्स पावर। अब छोटी सी लाइट वेट गाड़ी के लिए 138 हॉर्स पावर काफ़ी है, लेकिन मेरे ड्राइविंग टेस्ट और आजकल की मॉडर्न गाड़ियों के साथ कंपीट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी टोयोटा एमआरएस आप सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाई थी और उसमें मैंने थोड़ा मेंशन किया था कि मैं इसकी पावर को एनहांस करना चाहता हूँ और इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो जब गाड़ी मैंने 3 साल पहले ली तब से मेरा प्लान था कि इसकी पावर को बेहतर बनाया जाए। तो पहले मेरा प्लान था कि इसके स्टॉक 1ZZ इंजन को ही टर्बो चार्ज किया जाए और इसकी पावर आउटपुट को 138 हॉर्स पावर से बढ़ा के 200 हॉर्स पावर किया जाए, जो कि इजीली अचीवेबल था। और उसके लिए टर्बो चार्जर के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स दरकार थे जो कि मैंने अरेंज किए। तो आइए देखते हैं, किसी भी NA इंजन को टर्बो चार्ज करने के लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स दरकार हैं, जिसमें जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे पास टर्बो चार्जर है। ये TDO5 टर्बो है जो कि EVO5 का है और बहुत अच्छा रिलायबल टर्बो है। इसके अलावा आपको बहुत सारी और भी पार्ट्स चाहिए थे। ये एक बुक है जो कि बहुत ही यूज़फुल है अगर आपने किसी भी NA इंजन को टर्बो चार्ज करना है। इसमें यूज़ केसेस हैं और आप वो पढ़ के आसानी से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये है AEM AFR जो कि ना सिर्फ गेज है बल्कि वाइड बैंड O2 सेंसर का कंट्रोलर भी है। इसका डिजिटल और एनालॉग डिस्प्ले है। ये है डिजिटल बूस्ट कंट्रोलर और ये है AEM का बहुत ही एडवांस किस्म का पिकी पैक कंट्रोलर जिसको ECU के साथ कनेक्ट करके आप फ्यूल और इग्निशन की सेटिंग्स चेंज करके इंजन को ट्यून कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ब्लो अप वाल्व्स, गेजेस, रेडियम के स्पार्क प्लग्स, वैक्यूम पाइप्स एक्सेट्रा। ये है 1ZZ का स्टॉक हेडर जो कि फैक्ट्री से आता है 1ZZ के साथ। और ये है कस्टमाइज्ड हेडर जो कि हमने टर्बो माउंट करने के लिए बनाया है 1ZZ के साथ। और ये है इंटरकूलर और मेरे पास तमाम पार्ट्स अवेलेबल थे, प्रोजेक्ट के लिए रेडी था, लेकिन एट अ लेटर स्टेज मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि जो आप इंजन की पावर को बढ़ाएंगे तो रिलायबिलिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। तो मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ और मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा इंजन स्वैप किया जाए जिसकी हॉर्स पावर फैक्ट्री फॉर्म में ही ज़्यादा हो और एट अ लेटर स्टेज अगर मेरा माइंड बना तो उसको मैं फर्दर इन्हांस कर सकूँ। तो मैं काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस मैंने देखी और उसमें से मैंने एक इंजन सेलेक्ट किया। इंजन मैंने आप लोगों से डिस्क्लोज़ नहीं किया था लेकिन 4 महीने पहले परचेज़ भी कर चुका हूँ। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं कि मैंने कौन सा इंजन सेलेक्ट किया अपनी MRS के लिए। आइए अब हम सब मिल के देखते हैं कि मैंने अपनी MRS के लिए कौन सा इंजन सेलेक्ट किया। तो ये है 1.8 लीटर 2ZZ GE इंजन जिसकी पावर आउटपुट है 190 हॉर्स पावर। एक मेजर डिफरेंस 1ZZ और 2ZZ के बीच में ये है कि 1ZZ इज VVT-I। ये भी 1.8 लीटर इंजन है लेकिन ये VVT-LI है। तो मेजर डिफरेंस हुआ L का। L इज लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और इसका वर्किंग मैकेनिज्म सिमिलर है जैसे होंडा का VTEC सिस्टम है जिसकी मदद से हायर RPM पे बहुत अच्छा टॉर्क मिलता है और ये एक मेजर रिक्वायरमेंट थी मेरी। अब ये इंजन करोला में और सेलिका में भी ऑफर किया गया है। ये पर्टिकुलर इंजन करोला से लिया गया है लेकिन इसका ECU जो है वो मेरे पास सेलिका GTS का है जो कि मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसकी रेव लिमिट 8000 RPM तक है जो कि बहुत अच्छी है। करोला की रेव लिमिट कम होती है तो 8000 RPM के पावर तक पावर बैंड बहुत अच्छा रहता है। अब चूँकि ये करोला और सेलिका में ऑफ़र किया गया है तो ये फ्रंट माउंटेड होता है लेकिन MRS में ये मिड इंजन है, मतलब
आपके गाड़ी के रेयर साइड पे इंस्टॉल होता है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ एडिशनल पार्ट्स भी चाहिए थे जो कि मैंने मंकी रेंच रेसिंग यूएसए से ऑर्डर करवाए हैं। इसमें मेन एक ही चीज़ जो इसके ब्लैक बॉक्स होता है वो चाहिए, जो कि गियर शिफ्टिंग में मदद देता है, और ये इसकी शाफ्ट है। इसके बगैर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको फर्स्ट और थर्ड गियर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगी, तो आपसे मिस शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको जो तीन माउंट्स हैं इसके, वो टोयोटा एमआरएस के 1zz वाले यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुली साइड का माउंट जो है वो आपको 2zz वाला ही चाहिए, जो कि मैंने अरेंज कर लिया है। मोर इम्पॉर्टेंटली इसका एयर बॉक्स 2zz का होना चाहिए, क्योंकि मैप सेंसर अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो गाड़ी इवन के स्टार्ट भी नहीं होगी और आइडलिंग ठीक नहीं होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और मेजर डिफरेंस गियरबॉक्स का है, मेरी MRS में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जबकि इस 2zz के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और इसमें मैंने लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी इंस्टॉल करवाई है। अब हाई स्पीड कॉर्नरिंग में LSD एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी मदद से इंजन की पावर दोनों व्हील्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है कॉर्नरिंग के वक्त, और उसकी वजह से आपको गाड़ी को बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिलती है। LSD ना होने की सूरत में इंजन की पावर किसी एक ऐसे व्हील को ट्रांसफ़र हो जाएगी जो कि ईजीली घूम सकता है, और अननेसेसरी व्हील स्पिनिंग होगी जो कि एक डिज़ायर्ड चीज़ नहीं है, और आपको ट्रैक्शन चाहिए होती है, इसलिए LSD बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह की रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी में। अब इस इंजन को हम कंप्लीट सर्विस करेंगे बिफोर इंस्टॉलेशन इनटू द कार, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ अपनी MRS में 2zz स्वैप करने का, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरा लिखा है, मैं आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो इंस्टॉल करने में। मज़ीद अपडेट्स के लिए ट्यून इन रहिएगा, और इंस्टॉलेशन की भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।